वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज आपको ECO 402 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 30 से 36 करवाए जाएंगे और इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो पहला लेसन है आज का मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। इसमें सबसे पहले है रिव्यू परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो अब तक आप सबने पढ़ लिया होगा, इसका कुछ रिव्यू देखते हैं। इसमें जो है वो प्राइस बराबर होता है LMC विच इज़ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, और वो भी बराबर होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स अर्न करती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, यानी कि उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होता है लॉन्ग रन के अंदर। इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका प्रॉफिट ज़ीरो होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो वो अर्न कर रही होती हैं लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है। और लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यानी बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से मिलती जुलती होती है, यानी सब्स्टिट्यूट होती है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन परफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बायर्स के पास, और फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। अब इसी चीज़ को कुछ डायग्राम की ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो ये मार्केट का ग्राफ है और इसमें इंडिविजुअल फर्म का ग्राफ है। अब यहाँ डिमांड है जो डाउनवर्ड स्लोप है और सप्लाई है अपवर्ड स्लोप है। जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा मार्केट के अंदर, वही प्राइस को डिटरमाइन करेगा। तो जो प्राइस डिटरमाइंड हो गई है वही प्राइस जो है वो इंडिविजुअल फर्म को भी डिटरमाइन करना पड़ेगी। तो जो फर्म का प्राइस का जो कर्व होगा वो बिल्कुल होगा हॉरिजॉन्टल कर्व, और ये ही कर्व जो है वो बराबर होगा डी के और पी आर के और सॉरी एम आर के भी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड का कर्व भी यही होगा फर्म का जो प्राइस का कर्व होगा। इसके अलावा ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है। पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होती है, गिरती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है वहीं पर क्वांटिटी डिटरमाइन करेगी फर्म, अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। और उसके अलावा यह है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व जो टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है। तो फर्म जो है वो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न नहीं करती। तो ये था कुछ रिव्यू परफेक्ट कंपटीशन का। अब है आपके सामने मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि एक सेलर होता है लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट का कोई एक ही सेलर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कराची में सिर्फ के इलेक्ट्रिक है जो बिजली सेल कर रही है और बायर उसके कई सारे हैं। और इसी तरह एक ही प्रोडक्ट होती है, उसका कोई अच्छा सब्सटीट्यूट नहीं होता। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से लोग परचेज़ नहीं कर सकते, लोग जनरेटर लगवा सकते हैं घर में, UPS कर सकते हैं, सोलर वगैरह भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो मेन जो सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो वही होगा। सो और बैरियर्स होते हैं जाहिर बात है, क्योंकि फर्म जो है कोई और फर्म इंटर नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। नाउ द फाइंडिंग मार्जिनल रेवेन्यू। सो एज द सोल प्रोड्यूसर की तरह मोनोपोलिस जो है वो वर्क करता है मार्केट डिमांड से अपनी आउटपुट और प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि वो मार्केट डिमांड को देखता है जब भी वो ये डिसाइड करता है कि उसको कितना प्राइस रखना है या कितना प्राइस चार्ज करना है, कितना आउटपुट रखना है और कितना प्राइस चार्ज करना है। सो अज्यूम अ फर्म विद डिमांड। सपोज एक फर्म की जो डिमांड है वो ये है पी विच इज़ द प्राइस इज इक्वल टू द 6 - Q। तो अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल से आपको समझाया जा रहा है टोटल मार्जिनल एंड द एवरेज रेवेन्यू। तो इसमें प्राइस है ये, फिर है क्वांटिटी क्यू विच इज एंड द टोटल रेवेन्यू आर मार्जिनल रेवेन्यू एम आर एंड द एवरेज रेवेन्यू AR। तो अगर प्राइस $6 फर्म चार्ज करती है तो उसकी कोई सेल नहीं होगी, तो उसका रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू टोटल ज़ीरो, यानी कि उसकी कोई इनकम नहीं होगी। प्राइस फिर वो $1 कम करती है तो फिर उसकी एक क्वांटिटी सेल होगी, और फिर उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू अब उसको कितना मिल रहा है, 5, पहले 0 था, अब वो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5, और इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू भी उसका हो गया 5। नाउ दी फिर अब प्राइस और गिरा दिए, जब प्राइस और गिर गए तो क्वांटिटी 2 सेल हो रही है, और जो एवरेज सॉरी टोटल रेवेन्यू है अब वो हो गया 8। अब जब टोटल रेवेन्यू 8 हो गया, पहले 5 था, अब 3 का इजाफा हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 3 है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो है वो 3 का इजाफा हो रहा है। और एवरेज रेवेन्यू क्या है, वो है टोटल रेवेन्यू में से जब हम क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल रेवेन्यू 4 है और क्वांटिटी है क्यू जो कि 2 है, तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से जब प्राइस $1 और मज़ीद गिर गई तो क्वांटिटी जो है और इजाफा हो गया, वो 2 से 3 हो गया, और टोटल रेवेन्यू और बढ़ गया। मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 8 से 9 हो गया, तो टोटल रेवेन्यू में जब 1 का इजाफा हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू 1 था, क्योंकि 1 का इजाफा हो गया। और टोटल एवरेज रेवेन्यू क्या है, वो 3 है। 3 किस तरह से, टोटल रेवेन्यू 9 है, जब क्वांटिटी 3 को हमने डिवाइड किया तो 9 से जब 3 को डिवाइड किया तो 3 आ गया।
अब इस तरह से प्राइस और गिर गई। अब जब प्राइस और गिरी तो क्वांटिटी 4 सोल हुई, लेकिन क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू भी गिर गया। अब जो है वो टोटल रेवेन्यू गिर रहा है और माइनर रेवेन्यू तो माइनस में जा रहा है, क्योंकि 9 से 8 हो गया है, मतलब -1। और इस तरह एवरेज रेवेन्यू वो 2 आ गया जब 8 को हमने 4 से डिवाइड किया। इसी तरह से प्राइस और गिरा दी गई तो 5 क्वांटिटी सेल हो रही है, टोटल रेवेन्यू और गिर गया और -3 आ गया माइनर रेवेन्यू, और ये आ गया। अब ये आपके सामने टेबल बताया गया आपको। अब इस पर एवरेज नाउ दी जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है, इसमें है प्राइस डॉलर के हिसाब से, और आउटपुट जो शो हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है। तो अब इसमें एवरेज रेवेन्यू का कर्व आपके सामने ये जा रहा है, जो डिमांड कर्व भी कहलाया जाता है, ये है एवरेज रेवेन्यू का कर्व। इसको जब प्लॉट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल ही जो है वो डिमांड है, क्योंकि डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे प्राइस में कमी आती जाती है तो डिमांड में इजाफा होता जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह से डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो होता है। तो ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व ही डिमांड कर्व है एक्चुअली, और ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। जो मार्जिनल रेवेन्यू फर्म अर्न कर रही है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जा रहा है। ये माइनस तक जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि माइनस में भी फर्म जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू अर्न करती है। सो नाउ दी ऑब्जर्वेशंस, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस आई क्या, वो ये ऑब्जर्वेशन आई कि अगर फर्म जो है वो इंक्रीज करना चाहती है सेल को, तो उसको अपने प्राइस गिराना पड़ेंगे। प्राइस गिरा के फर्म जो है, ऐसा नहीं है कि मोनोपोली की फर्म जो है वो प्राइस जो है वो अपनी मर्जी से चार्ज करे और वो प्रॉफिट भी सेल भी अपनी बढ़ाती चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस से कम है, ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, तो ये जो है ये प्राइस से कम है, ये इसके अंदर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आई। अगर हम इसको परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई चेंज नहीं होता, अगर प्राइस में चेंजेस आए तो सेल में कोई चेंज नहीं होता, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जबकि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम है। नाउ द मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन, अब किस तरीके से आउटपुट डिसीजन होता है मोनोपोलिस्ट का, अब मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट वहीं पर मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो उसी जगह पर ही मोनोपोलिस्ट आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब इसकी कुछ इक्वेशन देखते हैं कि प्रॉफिट जो है, जो कि फंक्शन है आउटपुट का, यानी क्वांटिटी का, वो बराबर है रेवेन्यू विच इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट, वो भी आउटपुट का फंक्शन है, माइनस कॉस्ट, वो भी कॉस्ट का फंक्शन है। तो प्रॉफिट बराबर हुआ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि इनकम में से जब हम कॉस्ट निकाल देंगे, सो द चेंज इन द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द चेंज इन द रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी, और उसको फिर हम माइनस करेंगे चेंज इन द कॉस्ट से डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी, वो बराबर होगा जीरो के। यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एम सी, जहाँ पे एम आर के MC में से जब हम MR निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो तभी होगा जब MC जो है वो MR के बराबर होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के जब बराबर होगा तो वहीं पर जो है वो आउटपुट मोनोपोलिस्ट को करना चाहिए, वहीं पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नाउ द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, यानी MC जब MR के बराबर होता है, तो अब इसी को ग्राफिकली दिखाया गया है। अब ये आपके सामने ग्राफ मौजूद है, ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ रहा है, डी का कर्व जो कि है डिमांड का, और एक तरफ आ रहा है एमआर का कर्व जो कि मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। ये दोनों तो आपको ऊपर बता दिए गए थे। अब एक तरफ जा रहा है एवरेज कॉस्ट का कर्व जा रहा है ये, और एक तरफ जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, उठता चला जा रहा है, बढ़ती चली जाएगी कॉस्ट के लिए। तो जब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जहाँ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, एम सी इक्वल्स टू एम आर आपको बताया गया है, तो उतनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करनी है फर्म ने, यानी कि कितनी है क्यू स्टार, तो क्यू स्टार की क्वांटिटी तो डिटरमाइन हो गई, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। लेकिन अब प्राइस कितने कहाँ से डिटरमाइन होंगे, प्राइस के लिए ऊपर ले जाया जाएगा इस लाइन को, और जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर टच करेगी ये लाइन, वहीं पर प्राइस चार्ज की जाएगी। तो ये पी स्टार और क्यू स्टार जो है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी है, जहाँ पर फर्म को मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। अगर फर्म जो है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, और फिर जारी बात है ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें क्या होगा, फर्म को लॉस होगा, ये लॉस होगा। और यानी कि फर्म अर्न तो तब भी करेगी, उसका पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें कमी आती चली जाएगी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले जाए, मोनोपोली है हमारे यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हैं, एसी लोगों के घरों में नहीं है, इसी वजह से कई लोगों के उसके अंदर जो है बिल ज़्यादा आते हैं, और कई लोगों ने कुंडा भी लगाया हुआ है इसी वजह से,
तो इससे जो है क्या होता है कि जब प्राइस जो है मोनोपोली चार्ज ज़्यादा करती है तो उससे भी मोनोपोली का नुकसान होता है, क्वांटिटी कम जो है वो सोल्ड होती हैं। और अगर प्राइस जो है वो गिरा देगी इक्विलिब्रियम से, उसमें भी मोनोपोली का लॉस्ट होगा क्योंकि मोनोपोली जो है वो ज़्यादा अर्न नहीं कर सकेगी। तो दोनों सिचुएशन में मोनोपोली फर्म का लॉस है और इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर मोनोपोली जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगी। नाउ दी मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन एन एग्जाम्पल, अब उसी चीज़ को और बताया गया है थोड़ा कॉस्ट और रेवेन्यू के हिसाब से। अगर फर्म जो है वो बाय सेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर जो है वो सेट कर दिया जाए, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है कितनी प्राइस पे, $30 पे, और क्वांटिटी जो है वो $10। अब यहाँ बताया गया है कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज वहाँ हो रहा है जहाँ पे $10 की क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। अब अभी आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे $10 की क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ये $10 की जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। अब ये कॉस्ट का कर्व जा रहा है, जो ये सी वाला कर्व, ये कॉस्ट का कर्व जा रहा है और ये कर्व जा रहा है रेवेन्यू का कर्व, जो कि आर कर्व है रेवेन्यू का। अब यहाँ पे इतना बड़ा आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान गैप है, यानी कॉस्ट ये है इतनी कम और जो रेवेन्यू वो इतना ज़्यादा। तो मैक्सिमाइज रेवेन्यू है यानी कि इनकम बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, और ये आप प्रॉफिट का कर्व देख सकते हैं। प्रॉफिट का कर्व अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है इस क्वांटिटी के ऊपर, जो 10 की क्वांटिटी है इसमें प्रॉफिट अपनी पीक पे पहुंच चुका है। तो पीक पे पहुंचा हुआ है ये अपनी प्रॉफिट, तो इतनी क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करेगी फर्म तो वो मैक्सिमाइज अपना जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगी। और इसी चीज़ को यहाँ इन्होंने एक मैथमेटिकली और प्रॉफिट के तौर पर इन्होंने शो किया है। प्रॉफिट बराबर होगा TR, विच इज़ द टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो ये दिखाया गया। सपोज अब ये जो 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसको फर्म जो है वो सेल कर रही है $30 के ऊपर। अब जब $30 के ऊपर इसको सेल कर रही है, तो जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है फर्म का वो आ रहा है 300, क्योंकि 10 को जब हम 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 300। और जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी आ रही है, $150 आ रही है जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जो कि अब यहाँ है, ये है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 150, ये टोटल कॉस्ट, ये देखिए आप, ये रही 150, ये टोटल कॉस्ट और रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 150 टोटल कॉस्ट आ रही है। तो 150 टोटल कॉस्ट में से जब हम 300 में से $150 निकालेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बना। अब एक और एग्जांपल यहाँ दी गई है ग्राफ के थ्रू, ये है एवरेज रेवेन्यू का जो कि डिमांड का कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। तो जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये जा रहा है, ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व जा रहा है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो वहीं पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। तो 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है फर्म, और ये जो क्वांटिटी है इसी जब लाइन को हम आगे लेके जाएंगे एवरेज रेवेन्यू पे, वहीं पे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। तो प्राइस जो है वो $30 चार्ज हो रही है, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सिर्फ $15 हमारी कॉस्ट आ रही है, $30 हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट ये इतना बड़ा हिस्सा हमारा प्रॉफिट है, यानी कि $15 पर यूनिट हमें जो है वो $15 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसी चीज़ को इक्वेशन वाइज देखते हैं मैथमेटिकली। तो एवरेज कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो आ रही है $15, जो कॉस्ट आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है $15, क्वांटिटी हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं 10। सो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है 150, $10 एंड द 15, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 150। और टोटल नाउ द प्रॉफिट इज द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सो टोटल रेवेन्यू इज द 300, विच इज द 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से तो $300 हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, और उसमें से माइनस कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10 जो टोटल कॉस्ट आ रही है, तो 150 हमारा जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट आ रहा है। अब है लेसन नंबर 31, जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी कंटिन्यूड, और थम रूल, अ रूल ऑफ थम फॉर प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का जो रूल ऑफ थम है वो इस फार्मूले की मदद से है, ये जो फार्मूला है ये यूज़ किया जाता है, वो है P इज इक्वल्स टू द MC, विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट जो होती है एडिशनल यूनिट की, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन द ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय ED। ED क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अज्यूम करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर -4 है और MC मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 9 है, जब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने जो प्राइस आएगी वो आएगी $12 की। तो इस तरह से हम जो है वो प्राइसिंग करेंगे।
नाउ द मोनोपोली प्राइसिंग कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से अगर हम मोनोपोली की प्राइसिंग को कंपेयर करें, मोनोपोली में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं। द मोर द इलास्टिक द डिमांड, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी डिमांड के अंदर, द क्लोजर प्राइस इज टू मार्जिनल कॉस्ट, तो उतनी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से करीब होगी, यानी MC से, मार्जिनल कॉस्ट से। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लार्ज नेगेटिव नंबर है, यानी नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, सो प्राइस इज क्लोज टू, प्राइस जो है वो फिर क्या होगी, क्लोज होगी मार्जिनल कॉस्ट से एंड वाइस वर्सा। नाउ द मोनोपोलिस्ट प्राइसिंग, अब ये इसी चीज़ को यहाँ उसी फार्मूले को यूज़ किया गया है, ये वाला जो फार्मूला, इसी के जरिए प्राइसिंग होती है, P=MC डिवाइडेड बाई 1+1 डिवाइडेड बाई ET। तो इसी चीज़ को यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है कि प्राइस ऑफ मेडिसिन ए जो है वो है 3.50 और प्राइस ऑफ बी एंड डी सी मेडिसिन जो है वो दी गई है हमें। सो MC जो है वो मेडिसिन ए की जो है वो क्या बन रही है, 30-40 सेंट्स, तो ये MC बन गई, विच इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई हमारे सामने और डिवाइडेड बाय 1+1 डिवाइडेड बाय ED, और जो इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी आ रही है हमारे पास 0.91, उसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो प्राइस आई वो आई 3.89। तो ये जो है फार्मूला यूज़ करके मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी प्राइसिंग चार्ज करते हैं। नाउ द शिफ्ट इन द डिमांड, अब जो डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है उससे क्या असर पड़ता है, शिफ्ट इन डिमांड लीड्स टू चेंज इन प्राइस बट सेम आउटपुट, आउटपुट सेम है लेकिन जो है वो प्राइस में चेंज आ रही है, डिमांड चेंज होने की वजह से। तो ये आपके सामने मोनोपोली का ग्राफ मौजूद है, क्वांटिटी मौजूद है यहाँ, यहाँ प्राइस मौजूद है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जा रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का जा रहा है और ये डिमांड का कर्व जा रहा है। तो अब ये सॉलिड, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी है वो Q1 है क्वांटिटी, और प्राइस जो है वो P1 है। लेकिन हुआ क्या कि जब डिमांड में चेंज आया, तो डिमांड में चेंज आने की वजह से जो डिमांड कर्व D1 था वो ये वाला कर्व बन गया, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सॉलिड वाला जो है वो D1 है और जो डॉटेड है ये जो है वो डिमांड का D2 कर्व है। अब जब D2 कर्व है तो D2 होने की वजह से अब जो प्राइस चार्ज हो रही है, और जो प्राइस चार्ज हो रही है अब वो कितनी हो रही है, P2 पे प्राइस आ गई है, प्राइस जो है वो P2 पे आ गई है, क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो पहले ऊपर था, अब डिमांड कर्व जो है वो नीचे आ गया है। तो अब जो प्राइस चार्ज होगी, अब क्वांटिटी के बाद जो प्राइस की लाइन जाएगी वो प्राइस वहीं तक जाएगी जहाँ पे ये वाला कर्व है, तो अब प्राइस में जो है वो कमी आ गई, गिर गई है प्राइस जो है वो यहाँ पे गिर जाती है डिमांड की वजह से, तो डिमांड की वजह से प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ गया। नाउ दी, अब क्या हुआ, एक इस वाली ग्राफ के अंदर जो दिखाया गया है केस हमें, वो ये दिखाया जा रहा है कि जब डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जब शिफ्ट किया है, ऊपर की तरफ किया है, तो उससे क्या हो रहा है कि प्राइस तो वही रही है लेकिन जो क्वांटिटी है उसके अंदर इजाफा हो गया है। पहले Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इस चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है। सो ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोट की इनके अंदर, कि डिमांड में जो शिफ्ट होती है उससे क्या होता है कि बहुत प्राइस और क्वांटिटी दोनों के अंदर चेंज आ सकता है डिमांड के अंदर शिफ्ट होने से। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कोई भी सप्लाई कर्व नहीं, आपने यहाँ कोई सप्लाई कर्व नहीं देखा होगा मोनोपोलिस्टिक की, जो मार्केट का आपको बताया गया ऊपर, और मोनोपोलिस्ट जो है वो सप्लाई कर सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ सेम प्राइस पे, मतलब मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को वो सेम प्राइस पे भी सेल कर सकता है और सेम क्वांटिटी को वो डिफरेंट प्राइस पे भी सेल कर सकता है। नाउ द इफेक्ट ऑफ अ टैक्स, अब टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टैक्स इफेक्ट को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्लस T विच इज द टैक्स, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्लस T से। सो अब इफेक्ट ऑफ एक्साइज टैक्स ऑन मोनोपोलिस्ट, सो पहले तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जा रहा है आपके सामने, और ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जा रही है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी होगी वो वही होगी जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और एवरेज रेवेन्यू का जो लाइन है वहाँ तक जब हम इसको लेकर जाएंगे तो वहाँ पे हम प्राइस डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है और इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन जब टैक्स लगा तो टैक्स इम्पोज होने की वजह से क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तो हमारा वही रहा लेकिन जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है हमारा वो ये नीचे वाला कर्व था, अब एक ऊपर जो डॉटेड कर्व बन गया मार्जिनल कॉस्ट का। अब जब डॉटेड ये आ गया तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट यहाँ बराबर आ रहा है, तो हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो Q1 करेंगे, और जब हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारी जो प्राइस है वो इतनी बढ़ जाएगी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है P0 से P1 में, तो टैक्स बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है प्राइस में।
अब इसको कुछ देखते हैं, क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है और इक्वेशन के, सपोज करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो माइनस टू थी, तो हाउ मच वुड द प्राइस चेंज। तो अब ये प्राइस जो है वो यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है प्राइस के फार्मूले में डाल के प्राइस जो है वो बराबर है टू एम सी के, यानी टू मार्जिनल कॉस्ट के, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो माइनस टू है। सो इफ़ एम सी इंक्रीज टू दी एम सी प्लस टी, यानी कि टैक्स लगने के बाद जो है वो एम सी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एम सी प्लस टी, और चेंज इन पी जो है चेंज इन दी प्राइस कितना हो जाएगा, वो बराबर होगा टू मल्टीप्लाई बाय एम सी प्लस टी इज इक्वल्स टू टू एम सी प्लस टू टी। सो अब क्या वो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया ट्वाइस, दो बार दुगना हो गया इनके प्राइस, यहाँ से यहाँ प्राइस पहुँच गया, दुगना प्राइस हो गया, डबल प्राइस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, व्हाट वुड हैपन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में क्या होगा। पहली बात है जब प्राइस तो डबल चार्ज हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, टैक्स की वजह से, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत गिर गई है। अब क्वांटिटी गिरने की वजह से और टैक्स की वजह से प्राइस चार्ज होने की वजह से मोनोपोली को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका तो प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो क्वांटिटी कम सेल हो रही है, और प्राइस बढ़े किस वजह से, टैक्स की वजह से बढ़े, तो ये असर होगा टैक्स का। नाउ द लेसन नंबर 32, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। तो अब ये बात हो रही है मल्टी प्लांट फर्म की, ऐसी फर्म जिसके पास एक से ज़्यादा प्लांट है, एक से ज़्यादा प्लांट भी हो सकता है बहुत सी मोनोपोली फर्म्स का, तो हर एक प्लांट की एक अलग कॉस्ट होगी और अलग जो है वो क्वांटिटी होगी। तो Q1, अब इसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Q1 जो है वो आउटपुट होगी, क्वांटिटी होगी प्लांट वन की, और C1 होगी कॉस्ट प्लांट वन की। Q2 जो है वो आउटपुट होगी Q2 प्लांट टू की जो है वो आउटपुट है, और C2 जो है वो प्लांट टू की कॉस्ट है। जो टोटल आउटपुट है Q2 वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2, और उसी को यहाँ पे बताया गया है डिटेल में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता है PQ2, यानी कि प्रॉफिट प्राइस बाय दी क्वांटिटी टोटल माइनस C1 विच इज़ दी कॉस्ट ऑफ प्लांट वन, एंड दी Q1 क्वांटिटी ऑफ प्लांट वन माइनस C2 विच इज़ दी कॉस्ट ऑफ द प्लांट टू एंड दी क्वांटिटी ऑफ द प्लांट टू। तो इन दोनों इनके बराबर आ जाएगा हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा जब दो प्लांट होंगे इस फार्मूले के ज़रिए। और यहाँ पे कुछ और डिटेल बताई गई है कि चेंज इन द प्रॉफिट, जब प्रॉफिट में चेंज आएगा डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्लांट वन की जो क्वांटिटी चेंज होगी वो बराबर होगा चेंज इन द PQT विच इज़ द प्राइस एंड द टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्राइस वन, माइनस कर देंगे हम उसमें से चेंज इन द कॉस्ट ऑफ वन प्लांट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन, और ये बराबर होगा जीरो के। तो जो जहन में आपने बात रखनी है वो ये है कि MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए MC1 के, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट वन के, और इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट टू। तो MR जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट वन के भी और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट टू के भी, जिस तरह से पहले भी आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब इसको कुछ ग्राफिकली आप देखेंगे तो कुछ क्लियर होगा। तो प्रोडक्शन विद टू प्लांट्स, अब दो प्लांट्स के साथ जब प्रोडक्शन की जा रही है तो ये डी जो है वो बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, ये जो डिमांड का कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, जैसे आपको बताया गया था कि मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है डिमांड का कर्व, और MR का कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ये। अब इसमें जो है वो MC कर्व, MC1 ये प्लांट वन का कर्व है मार्जिनल कॉस्ट का, और ये प्लांट टू की मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, और ये टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट टोटल का कर्व जा रहा है। अब जो प्लांट वन की क्वांटिटी होगी वो Q1 होगी, प्लांट टू की जो क्वांटिटी होगी वो Q2 होगी, और जो ओवरऑल जो क्वांटिटी डिटरमाइन की जाएगी वो की जाएगी QT। QT जो है वो ओवरऑल क्वांटिटी है, और इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे D तक ले जाएंगे तो हमारे सामने जो प्राइस डिटरमाइन होंगे वो होंगे P*, और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू स्टार है वो MC1 एंड C2 और MCT, जहाँ पे हमारा जो है इन तीनों जगह पे एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन जा रही है डॉटेड, यहाँ पर हमारा MR विच इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू स्टार जो है ये डिटरमाइन हुआ है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं हमारे सामने, इनको देखते हैं। तो MCT विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट टोटल, वो बराबर किसके है मार्जिनल कॉस्ट टोटल, वो बराबर है MC1 प्लस MC2 विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट वन प्लस मार्जिनल कॉस्ट टू, इसके बराबर है, यानी इन दोनों कर्व को मिलाएंगे तो वो MCT बन जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या है, MCT मार्जिनल कॉस्ट टोटल बराबर है MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एज
एट क्यूटी। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्यूटी, ये है क्यूटी और ये है मार्जिनल रेवेन्यू एट क्यूटी एंड दी पी एच पी स्टार। सो एमसीटी यहाँ पे बराबर हो रहा है, और एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू वो बराबर है एमआर स्टार के। मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये है मार्जिनल रेवेन्यू और ये है एमआर, एंड एमआर स्टार बराबर है एमसी1 एट Q1। MC1 जो है वो ये आ गया आपका MC1 और एनडी Q1। सो MR स्टार बराबर आ रहा है जहाँ पे MC1 और एट Q1 पे, एंड MR स्टार बराबर है MC2 एट Q2, और ये MR स्टार MC2 और Q2 पे भी बराबर आ रहा है। नाउ दी MC1 प्लस MC2 बराबर है MCT के, ये दोनों जो है कर्व जब इनको ऐड करेंगे तो वो MCT के बराबर है, जैसा कि ऊपर भी आपको बताया गया था। एंड Q1 प्लस Q2 बराबर है QT के, MR जो है वो बराबर है MC1 प्लस MC2 के, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 प्लस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 2 के। नाउ दी मोनोपोली पावर, अब किस तरीके से एक फर्म जो है उसको मोनोपोली पावर मिलती है, तो यहाँ पे मोनोपोली पावर समझाई गई है डिमांड फॉर टूथब्रशेस के ज़रिए। ये है मार्केट का डिमांड कर्व, जो ग्राफ है इसमें यहाँ मार्केट का डिमांड कर्व दिखाया गया है और यहाँ पे फर्म का डिमांड कर्व दिखाया जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, ये मार्केट का डिमांड कर्व है जहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो रही है 1.50, और ये जो है फर्म का डिमांड कर्व है। मार्केट और फर्म के डिमांड कर्व में फ़र्क है, जो फर्म का डिमांड कर्व है उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी है, वो ज़्यादा फ्लैट है, और इसका जो डिमांड कर्व है इंडस्ट्री का यानी कि मार्केट का, वो जो है वो स्टीप है। तो स्टीप होने की वजह से इसकी कम इलास्टिसिटी है और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो फर्म है वो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर पाएगी, वो 5000 प्रोड्यूस कर पाएगी, इसी वजह से, क्योंकि उसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैट है। जहाँ पे भी फ्लैट डिमांड कर्व होता है वहाँ होती है इलास्टिसिटी ज़्यादा, जब ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है तो उस फर्म की मोनोपोली पावर कम होती है। नाउ दी मेजरिंग मोनोपोली पावर, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि प्राइस बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के भी और मार्जिनल कॉस्ट के भी, जबकि मोनोपोली पावर में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी, और इसी के लिए लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर यूज़ किया जाता है, जिसका फार्मूला है L बराबर है P-MC विच इज़ द प्राइस माइनस द मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाई P। तो इसके ज़रिए इसको कैलकुलेट किया जाता है, और ये फार्मूला जो है बराबर होता है जो अभी आपको बताया गया है -1/ED। ED का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ अ फर्म, नॉट दी मार्केट, मार्केट नहीं बल्कि इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ अ फर्म। सो मोनोपोली जो है वो गारंटी नहीं करती कि प्रॉफिट लाजमी होंगे, प्रॉफिट डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट रिलेटिव टू प्राइस, जो एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस के मुकाबले में कितनी है उससे रिलेटेड करता है। तो थंब रूल प्राइसिंग का क्या है, वो ये फार्मूला है जो आपको पहले भी बताया गया कि प्राइस बराबर होता है MC मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1+1/ED विच इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो किसी भी फर्म की जो प्राइसिंग होती है मोनोपोली पावर की, अब जब प्राइसिंग फर्म चार्ज करती है तो अगर उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो उसका मार्कअप कम होगा, उसको मार्कअप कम मिलेगा, यानी कि उसकी जो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस है वो कम होगा। अगर किसी फर्म की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, खिंचाव कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कमी है, तो फर्म का मार्कअप ज़्यादा होगा, फर्म ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करेगी तो उसकी क्वांटिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मार्जिन ज़्यादा होगा, और इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है इन ग्राफ्स के थ्रू। जब इलास्टिसिटी, द मोर इलास्टिक इज़ डिमांड द लेस इज़ मार्कअप, तो अब यहाँ दिखाया जा रहा है कि जब ज़्यादा इलास्टिसिटी है तो ये जो MR का जो कर्व है ये आप देख सकते हैं फ्लैटन है, फ्लैट है ये थोड़ा, तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट फर्म कर रही है अर्न बहुत कम कर रही है अर्न, ये देख सकते हैं अब इतना सा जो हिस्सा ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। जबकि जो दूसरा ग्राफ है यहाँ पे जो AR का कर्व है, जो डिमांड कर्व भी होता है, ये स्टीप कर्व हुआ है, ये फ्लैट नहीं है, ये स्टीप कर्व है आपके सामने ही है। तो यहाँ पे जो मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा मार्जिन फर्म का है, और जो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के दरमियान डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फर्म का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नाउ द मार्कअप प्राइसिंग सुपरमार्केट टू डिज़ाइनर जीन्स, अब ये कंपैरिजन किया गया है कि डिज़ाइनर जीन्स और सुपरमार्केट के दरमियान जो है वो मार्कअप प्राइसिंग का। तो सुपरमार्केट में क्या होता है कि कई सारी फर्म्स होती हैं, प्रोडक्ट एक जैसी होती हैं, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे हर इंडिविजुअल स्टोर की वो है -10,
तो जब हम इसको फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे सामने कितना आता है, 1.11 एमसी। एमसी तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगाया प्राइस वाले फार्मूले पे तो 1.11 एमसी हमारा आ गया। एंड दी प्राइस सेट अबाउट 10 to 11% अबव एमसी, और जो प्राइस सेट कर दिए वो 10 से 11% अबव एमसी कर दिए। जबकि जब कन्वीनियंस स्टोर्स की हम बात करें तो उनमें क्या होते हैं, प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, हायर देन सुपरमार्केट, और कन्वीनियंस स्टोर में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ वहाँ सिर्फ -5 है, वहाँ -10 है, यहाँ सिर्फ -5 है। तो जब हम इस फार्मूले को हमने पुट किया तो हमारे पास 1.25 एमसी आया। सो प्राइजेज आर सेट अबव 25% एमसी, यानी कि वहाँ पे प्राइजेज सेट किए जा रहे थे सिर्फ 10 से 11% मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा, यहाँ पे 25% मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस है। तो कन्वीनियंस स्टोर्स के ऊपर ज़्यादा मोनोपोली पावर होती है एज कम्पेयर टू सुपरमार्केट्स में। नाउ द सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, अब ये सोर्सेज क्या होते हैं मोनोपोली पावर के, इसके बारे में कुछ देखते हैं। सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर क्या है, द फर्म्स एक्चुअली मोनोपोली पावर इज डिटरमाइन द फर्म्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो है वो मोनोपोली पावर जो है वो डिटरमाइन की जाती है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फर्म की, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उतनी कम उसकी मोनोपोली पावर होगी। और जितनी कम इलास्टिसिटी होगी ऑफ डिमांड होगी उतनी ज़्यादा जो है वो मोनोपोली पावर होगी। तो ये बात, ये चीज़ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो है वो मोनोपोली के ऊपर फ़र्क पड़ता है, यानी उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम मोनोपोली पावर होगी, और कम होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो मोनोपोली पावर ज़्यादा हो जाएगी। नाउ द लेसन नंबर 33, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंटिन्यू। तो इस लेक्चर में भी मार्केट स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंटिन्यू है। तो अब है पहला टॉपिक इस लेक्चर का, द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर। जब भी किसी फर्म के पास मोनोपोली पावर होती है तो कुछ सोशल कॉस्ट होती है, यानी सोसाइटी को कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो जब मोनोपोली फर्म होती है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है। इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ से दिखाया गया है। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, और जो मोनोपोली जो प्राइस चार्ज करेगी वो ये प्राइस चार्ज करेगी, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी वो यहाँ करेगी। तो जो MR जहाँ MC के बराबर है वही क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी, और उसी के ऊपर जब ले जाएंगे लाइन को, वो जब टच करेगी AR को तो वहीं पर प्राइस चार्ज की जाएगी। तो ये जो है प्राइस चार्ज हो रही है और क्वांटिटी हो रही है। लेकिन जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता तो वहाँ पर जो प्राइस चार्ज होते वो ये प्राइस चार्ज होते PC के, और जो क्वांटिटी होती है वो होती QC। तो ऐसे सिचुएशन में B और C डेड वेट लॉस आ रहा है। A तो मिल गया मोनोपोलिस्ट को, फर्म को फ़ायदा A का हो गया, लेकिन डेड वेट लॉस आ रहा है B और C किसी को भी नहीं मिला। तो इतना जो है डेड वेट लॉस B और C का सोसाइटी को जो कॉस्ट पे करना पड़ी वो ये, क्यों, क्योंकि कम क्वान्टिटी प्रोड्यूस हो रही है मोनोपोली फर्म की। नाउ द रेंट सीकिंग, अब वो फर्म जो सोशल कॉस्ट को यूज़ करती है उसको हम रेंट सीकिंग फर्म कहते हैं, मोनोपोली गेन करने के लिए। तो अब मोनोपोली गेन करने के लिए फर्म करती क्या है, लॉबी भी कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो। इसके अलावा हाईली एडवर्टाइजिंग कर सकती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी मोनोपोली पावर अचीव की जा सकती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर करके। उसके अलावा एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड कर ली जाए, प्लांट वगैरह एक्सेस लगा दिए जाए, मतलब यानी ज़्यादा प्लांट्स लगा दिए जाएँ, तो उससे भी बाकी फर्म जो है वो एंटर ही नहीं होंगी ये देखते हुए कि इनके पास तो ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी मौजूद है। नाउ द प्राइस रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट क्या करती है, मोनोपोली की प्राइस को रेगुलेट करती है। तो जो मोनोपोली की पावर पर प्राइस होती है वो तो PM है, और जो क्वांटिटी मोनोपोली प्रोड्यूस करी है वो QM है। लेकिन जब रेगुलेशन हुई तो प्राइस P1 हो गई, कम हो गई, और क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 हो गई। लेकिन अगर हम इसको परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो PC जो है वो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की है, और QC जो है वो क्वांटिटी है। परफेक्ट कंपटीशन अभी भी जो है उससे ज़्यादा है रेगुलेशन के बाद। और अगर प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस से भी गिर जाता है नीचे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि क्वांटिटी गिर जाएगी, वो Q3 हो जाएगी, यहाँ जाने के बजाय क्वांटिटी वो यहाँ गिर जाएगी। सो नाउ द नेचुरल मोनोपोली, अ फर्म कैन डेट कैन प्रोड्यूस द इंटायर आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ लोअर कॉस्ट देन व्हाट इट वुड बी इफ देयर वर सेवरल फर्म्स। तो अब नेचुरल मोनोपोली को कुछ यहाँ बताया गया, ये एवरेज रेवेन्यू है और ये है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, और यहाँ पे जो है वो एवरेज कॉस्ट का कर्व जा रहा है और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जा रहा है। ये कर्व डाउनवर्ड कर्व जो है इस बात को शो कर रहा है
इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो कर रहा है ये, एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्शन को, कहीं भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है तो जो एवरेज कॉस्ट होती है या जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसमें कमी आती चली जाती है जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में जब चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट होती है उसमें कमी आती चली जाती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट में या फिर मार्जिनल कॉस्ट में। तो उसी चीज़ को ये शो कर रहा है। तो मोनोपोली की जो प्राइस होगी वो है PM, और जो मोनोपोली की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी QM। और जबकि जो अब रेगुलेशन के बाद क्या होता है कि PR प्राइस होती है और जो क्वांटिटी होती है QR होती है। और अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो वहाँ PC प्राइस होगी और जो क्वांटिटी होगी वो होगी QC। नाउ द रेगुलेशन इन प्रैक्टिस। अब रेगुलेशन की अगर हम बात करें, जो आपको बताया गया रेगुलेशन का, तो गवर्नमेंट ने कुछ रफली तौर पे एक तरह का तरीका बनाया हुआ है कि किस तरीके से रेगुलेशन की जाए मोनोपोली के जो प्राइजेस हैं। तो उसके लिए कुछ ये फार्मूला यूज़ होता है, प्राइस इज इक्वल्स टू दी ABC विच इज़ दी, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइस बराबर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस D क्या है, डेप्रिसिएशन, प्लस T जो है वो टैक्स है, प्लस SK, S का मतलब है अलाउड रेट ऑफ रिटर्न, और K का मतलब है फर्म्स कैपिटल स्टॉक। और फिर उसके बाद उस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। अब है आपके सामने मोनोपोली का कॉन्सेप्ट। तो मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली जो है वो मोनोपोली की तरह है, जैसे कि मोनोपोली में एक सिंगल फर्म होती है या सिंगल सेलर होता है, यानी कि एक सिंगल फर्म या सिंगल सेलर की जगह अब है हमारे सामने सिंगल बायर। इसमें मोनोपोली में बायर सिंगल होता है। अब इसकी क्या क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि प्राइस टेकर होता है, जो बायर होता है वो प्राइस टेकर होता है, और पी जो है वो बराबर होता है इसमें मार्जिनल एक्सपेंडिचर के और मार्जिनल एवरेज एक्सपेंडिचर के भी, और डी जो है वो बराबर है मार्जिनल वैल्यू के। नाउ द कॉम्पिटिटिव बायर कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव सेलर। तो कॉम्पिटिटिव बायर को कॉम्पिटिटिव सेलर के कंपेयर किया गया है। तो एक तरफ बायर है और एक तरफ है सेलर। तो जिस तरफ बायर है तो वो यहाँ पे जो उसका डिमांड कर्व है वो है मार्जिनल वैल्यू का, मार्जिनल वैल्यू का इसका जो है वो डिमांड कर्व है, और ये है प्राइस का कर्व। तो जहाँ पे मार्जिनल वैल्यू टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस को, वहीं पे क्वांटिटी डिटरमाइंड हो जाएगी। और दूसरी तरफ दिखाया गया है सेलर का कर्व। तो सेलर में जहाँ मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो AR के कर्व को या MR के कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पर प्राइस जो है वो वहीं पर क्वांटिटी डिटरमाइंड हुई भी है। नाउ द मोनोपोनिस्ट बायर, अब ये मोनोपोनिस्ट बायर को दिखाया जा रहा है। सो मोनोपोनिस्ट बायर में ये है मार्जिनल वैल्यू का कर्व, और ये है मार्जिनल एक्सपेंडिचर का कर्व, और ये है एवरेज एक्सपेंडिचर का कर्व। अब जो यहाँ प्राइस डिटरमाइन होगी वो होगी ये P* पे, और जो क्वांटिटी होगी वो होगी Q* पे। लेकिन अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन से इसको कंपेयर करें तो PC इज़ द प्राइस एंड द क्वांटिटी इज़ द QC। अब है मोनोपोली का ग्राफ। मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू के मुकाबले में। तो यहाँ एवरेज रेवेन्यू आ गया, ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली जाएगी। तो ये प्राइस P* है और क्वांटिटी जो है वो Q* है, और ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की प्राइस और क्वांटिटी है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है कि डेड वेट लॉस नहीं होता, जबकि मोनोपोली में जो है वो डेड वेट लॉस होता है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ऐसा नहीं होता। नाउ दी मोनोपोली एंड दी मोनोपोनी। सो मोनोपोनी के अंदर क्या होता है कि ये जो कर्व है ये है मार्जिनल वैल्यू का कर्व, और ये है मार्जिनल एक्सपेंडिचर का कर्व, और ये है मार्जिनल एवरेज एक्सपेंडिचर का कर्व। तो जो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन होंगे वो इस पॉइंट पे हो रहे हैं P*, जो है, और क्वांटिटी जो है वो Q* वाली क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है। और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइस यहाँ होता है और जो है वो क्वांटिटी यहाँ होती है। तो एवरेज मार्जिनल एक्सपेंडिचर जहाँ मार्जिनल वैल्यू के बराबर है उतनी ही क्वांटिटी के ऊपर वहीं पर क्वांटिटी डिटरमाइन हो रही है, और प्राइस जो है यहाँ डिटरमाइन हो रहा है जहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो मौजूद है।
तो ये पी स्टार प्राइस है और ये जो है क्यू स्टार क्वांटिटी है। अब आपके सामने कुछ कंपैरिजन है मोनोपोली और मोनोपसनी का। मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस से कम होता है, जबकि मोनोपसनी में मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस से ज़्यादा होता है। मोनोपोली में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, जबकि मोनोपसनी में प्राइस जो है वो मार्जिनल वैल्यू से कम होता है। मोनोपोली के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की क्वांटिटी से, जबकि यही चीज़ मोनोपसनी में भी है, यानी कि सेम है, जो क्वांटिटी है वो कम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की क्वान्टिटी से, जबकि मोनोपोली में जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की प्राइस से, जबकि मोनोपसनी में जो प्राइस होती है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की प्राइस से कम होती है। अब है लेक्चर नंबर 34, प्राइसिंग विद मार्केट पावर। सो मोनोपसनी पावर क्या होती है? एक बायर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस को। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है मिसाल दी गई है कि अब जो उसके पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, गाड़ियों के, उसको बनाने वाले तो कई सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं गाड़ियाँ बनाने वाली वो बहुत कम है, और पाकिस्तान में तो वैसे ही जो है वो काफ़ी कम कंपनीज हैं, तो उनके पास मोनोपसनी पावर होती है, कम कंपनीज होती हैं और वो ही सारी पार्ट्स को परचेज कर लेती हैं। नाउ दी इलास्टिसिटी, अब ये बताया गया है कि डिग्री जो है मोनोपसनी पावर की डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर। तीन फैक्टर्स से मोनोपसनी पावर मिलती है। पहली है इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, जो मार्केट सप्लाई की इलास्टिसिटी वो, यानी जितनी कम जो है वो इलास्टिक होगी मार्केट सप्लाई की, उतनी ज़्यादा जो है वो मोनोपसनी पावर होगी। नंबर ऑफ़ बायर से भी फ़र्क पड़ता है, जितने कम होंगे नंबर ऑफ़ बायर द लेस द इलास्टिक द सप्लाई एंड द ग्रेटर द मोनोपसनी पावर। उसके अलावा इंट्रैक्शन अमंग बायर्स, जो बिहेवियर है वो कैसा है बायर्स के दरमियान, द लेस द बायर कम्पीट द ग्रेटर द मोनोपसनी पावर, जितना कम बायर कम्पीट करेंगे आपस में उतनी ज़्यादा मोनोपसनी पावर होगी। सो अब ये इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक सप्लाई को समझाया गया है। तो पहला तो जो है ये है इलास्टिक, जितनी ज़्यादा फ्लैट हो गया कर्व उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, और जितना कम फ्लैटन होगा कर्व उतनी कम जो है वो इलास्टिसिटी होगी। तो जब ज़्यादा इलास्टिसिटी है यहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर के कर्व में भी और एवरेज एक्सपेंडिचर के कर्व में भी, तो इन दोनों में ज़्यादा इलास्टिसिटी होने की वजह से जो मार्जिनल वैल्यू माइनस पी स्टार में फ़र्क है वो बहुत कम है, यानी कि इसमें बहुत कम मोनोपसनी की पावर होगी, जबकि यहाँ जो है वो इलास्टिसिटी में कमी है। तो इलास्टिसिटी में कमी आने की वजह से जो मोनोपसनी की जो पावर है वो ज़्यादा है यहाँ पे। अब मोनोपसनी पावर की वजह से डेड वेट लॉस भी होता है। तो मोनोपसनी जो परफेक्ट कंपटीशन है वो वहाँ तो जो क्वांटिटी और जो प्राइस होती है वो डिटरमाइंड होती है जब एवरेज एक्सपेंडिचर और मार्जिनल वैल्यू बराबर होगी, यानी यहाँ पे पीसी जो है वो यहाँ और क्वान्टिटी यहाँ। लेकिन जो मोनोपसनी है वहाँ प्राइस जो है यहाँ डिटरमाइंड हो रहा है क्यू पी स्टार पे और क्यू स्टार पे, तो जो बी और सी का हिस्सा है ये डेड वेट लॉस है, ये किसी को भी नहीं मिल रहा। तो डिटरमाइनिंग द डेड वेट लॉस, अब डेड वेट लॉस को अगर हम देखें तो चेंज इन सेलर सरप्लस, जो सेलर को सरप्लस मिला सेलर का ए भी जा रहा है और सी भी जा रहा है, ना सेलर को ए मिल रहा है ना सी मिल रहा है। बायर सरप्लस की बात करें तो बायर को ए मिल जाएगा लेकिन बी नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से चेंज इन वेलफेयर जो आई वो ये आई कि सी और बी किसी को भी नहीं मिला, इसी वजह से इन दोनों का डेड वेट लॉस हो रहा है। सो इनएफिशिएंसी अकर्ड होती है क्योंकि लेस इस परचेज, कम खरीदा जा रहा है, उस वजह से इनएफिशिएंसी आ रही है। नाउ दी सोशल कॉस्ट ऑफ द मोनोपसनी पावर, सो द बायलैटरल मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली जो रेयर होती है, हाउएवर मार्केट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर विद द मोनोपोली पावर सेलिंग टू अ मार्केट विद फ्यूअर बायर्स विद मोनोपसनी पावर इज मोर कॉमन। Now the question is, in this case, what is likely to happen to price? अब ऐसा अगर केस होता है bilateral monopoly का तो क्या होगा price को? So the limiting market power, the antitrust law. Antitrust law जो है वो बनाया गया है किस लिए? Promote करने के लिए competitive economy, ऐसी economy जिसमें competitions हो। Rules और regulation design की गई हैं competitive economy के लिए, और prohibit किया गया है उन actions को, यानी कि मना किया गया है, रोका गया है डेड रिस्ट्रेंट्स और लाइकली टू रिस्ट्रेंट कॉम्पिटिशन, ऐसे एक्शन से जो कॉम्पिटिशन को रोकें, और रिस्ट्रिक्टिंग द फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डेटा अवेलेबल, और नाउ द प्राइजिंग विद मार्केट पावर। सो प्राइजिंग विदाउट मार्केट पावर विच इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन को जो है वो मार्केट पावर कहा जा रहा है, इज डिटरमाइंड बाई द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। नाउ द कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस,
अब किस तरीके से जो है वो कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर करती है कोई फर्म। अब मोनोपोली में जो प्राइस चार्ज की जाती है वो है पी स्टार और क्यू स्टार, जहाँ पर एम आर जो है वो एम सी के बराबर होगा। लेकिन पी स्टार से ऊपर जो एरिया है पी मैक्स तक, ये तमाम एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है, इनके कंज्यूमर जो है वो इतने प्राइस तक पे कर सकता है। अब अगर इसको थोड़ा बहुत हम देखें कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस, तो पी स्टार क्यू स्टार जो है वो सिंगल पी एंड क्यू एम सी इज इक्वल टू एम आर एट द रेट एम सी इज इक्वल टू एम आर, यानी कि जहाँ पी स्टार और क्यू स्टार है वो जो है वहाँ एम सी जो है वो एम आर के बराबर है। एंड कंज्यूमर सरप्लस विद पी स्टार ए इज द कंज्यूमर, ये जो ए का एरिया है ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये कंज्यूमर सरप्लस विद पी स्टार, ये कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है। एंड बी इज दी, और जो बी का जो बॉक्स है पी इज ग्रेटर देन दी एम सी विच इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट, जो पी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है एंड कंज्यूमर वुड बाय एट लोअर प्राइस, जो लोअर प्राइस होंगे तो कंज्यूमर उस पर ख़रीदेगा। और पी टू पे अगर हम पी वन पे अगर हम देखें, पी वन अगर प्राइस रखती है कंपनी फर्म तो लेस सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स लेस होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा पी वन के ऊपर। और पी टू अगर प्राइस करती है फर्म तो इंक्रीज सेल एंड रिड्यूस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, सेल्स बढ़ जाएगी पी टू पे लेकिन सेल्स और रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट गिर जाएगा। और पी सी की अगर हम बात करें तो पी सी जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस होंगे, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की प्राइस को पी सी कहा जा रहा है। सो नाउ दी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करना डिफरेंट कंज्यूमर से सेम गुड्स के लिए, यानी एक जैसे एक ही सामान के लिए मुख्तलिफ कंज्यूमर से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करना हो। और पहली जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि सेपरेट प्राइस चार्ज किए जाते हैं हर एक कस्टमर से, मैक्सिमम या रिजर्वेशन प्राइस वो कहलाए जाते हैं जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है, यानी कि आप मोनोपोली के अंदर जो है वो पी स्टार और क्यू स्टार तो वो प्राइस है जो मोनोपोली के हैं, लेकिन जो पी मैक्स है यहाँ तक पी स्टार से ऊपर ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर सकता है, जिसको मैक्सिमम या फिर रिजर्वेशन प्राइस कहा जाता है। सो विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो आउटपुट होगा वो क्यू स्टार है और प्राइस जो है वो पी स्टार है। और वेरिएबल प्रॉफिट जो है वो क्या है, एरिया बिटवीन दी एम सी और एम आर, एम सी और एम आर के दरमियान जो एरिया है उसको हम कहेंगे वेरिएबल प्रॉफिट का। और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एरिया है अबव पी स्टार, पी स्टार के अबव जो एरिया है उसको हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस के एरिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्या होगा, हर कंज्यूमर जो है वो पे करेगा मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, जो मैक्सिमम प्राइस जितना वो विलिंग टू पे है उतना वो पे करेगा जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, हर कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज किए जाएंगे। सो नाउ दी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी कंज्यूम, जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड होती हैं उसके मुताबिक। विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो क्यू नॉट और पी नॉट जो है वो प्राइस चार्ज होगा, पी नॉट और क्यू नॉट जो है वो क्वांटिटी जो है वो होगी। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के साथ तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो पी वन प्राइस चार्ज होगा और क्यू वन क्वांटिटी होगी, या फिर पी टू प्राइस चार्ज होगा और क्यू टू क्वांटिटी होगी, और या फिर पी थ्री प्राइस चार्ज होगा और क्यू पी थ्री क्वांटिटी होगी। नाउ द लेसन नंबर 35 विच इज़ द प्राइसिंग विद मार्केट पावर। अब है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि मार्केट को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे एयरलाइंस में होता है जिस तरह इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास वगैरह होती है। अब जो है वो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, तो एम आर वन जो है वो बराबर होना चाहिए एम आर टू के, तो एम सी वन जो है मार्जिनल कॉस्ट वन बराबर होना चाहिए एम आर वन के विच इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू वन, एंड एम सी टू बराबर होना चाहिए एम आर टू के। सो एम आर वन बराबर होना चाहिए एम आर टू के और वो बराबर होना चाहिए एम सी के। सो पी वन को कहेंगे हम प्राइस जो है फर्स्ट ग्रुप का प्राइस पी वन है, और पी टू जो है वो प्राइस है सेकेंड ग्रुप का, और सी और क्यू आर ये जो है वो टोटल कॉस्ट कहलाई जाती है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू टी बराबर है क्वांटिटी ऑफ वन प्लस द क्वांटिटी ऑफ टू। सो टोटल प्रॉफिट बराबर होगा टोटल रेवेन्यू ऑफ वन पी क्यू वन, पी वन क्यू वन और पी टू क्यू टू, जो कि टोटल रेवेन्यू ऑफ टू ग्रुप सेकेंड ग्रुप माइनस दी टोटल कॉस्ट। सो सेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फॉर सेल टू ग्रुप वन इज इक्वल टू जीरो, तब तक हम सेल्स को बढ़ाएंगे जब तक वन जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन ग्रुप,
इज इक्वल्स टू द चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ ग्रुप वन डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन माइनस द चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी वन इज इक्वल्स टू जीरो. एंड द चेंज इन द रेवेन्यू वन, जब रेवेन्यू वन जो है रेवेन्यू फ्रॉम ग्रुप वन होगा यानी इनकम फ्रॉम ग्रुप वन होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन द क्वांटिटी वन इज इक्वल्स टू द एम आर वन विच इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ वन ग्रुप माइनस द चेंज इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाई द चेंज इन द क्वांटिटी वन इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट. अब सेकेंड ग्रुप ऑफ कस्टमर में हम देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है सेकेंड ग्रुप का वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के. तो एम आर वन बराबर होगा होना चाहिए एम आर टू के और एम आर टू बराबर होना चाहिए एम सी के यानी मार्जिनल कॉस्ट के. अब जब हम डिटरमाइन करेंगे रिलेटिव प्राइस को तो वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, आप रिकॉल करें जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया था. मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है पी विच इज़ द प्राइस मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन डिवाइड बाई ई डी विच इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अब जब हम रिकॉल करेंगे तो रिलेटिव प्राइस सेट करने के लिए एम आर वन बराबर होगा पी वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन डिवाइड बाई ई वन इज इक्वल्स टू द एम आर बराबर होगा पी टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन डिवाइड बाई ई टू. तो डिटरमाइनिंग रिलेटिव प्राइस करने के लिए पी वन डिवाइडेड बाई पी टू इज इक्वल्स टू दी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई टू एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई वन. तो इस तरह हम जो है वो रिलेटिव प्राइजेस जो है वो निकाल लेंगे. अब ये एग्जाम्पल दी गई कि अगर ई टू जो ई वन जो हमारी है इलास्टिसिटी वो है माइनस टू और ई टू की जो इलास्टिसिटी है वो है माइनस फोर. जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आएगा. सो चार्ज हायर प्राइस टू ग्रुप विद लो इलास्टिसिटी डिमांड. हाई प्राइस चार्ज की जाएंगे उस ग्रुप में जिसकी लो डिमांड इलास्टिसिटी होगी. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी डिमांड होगी इलास्टिसिटी होगी उतने हम कम प्राइस चार्ज करेंगे. सो 1.5 जब हायर रिलेटिव प्राइस कैलकुलेट करने के बाद तो पी वन शुड बी 1.5 टाइम हायर एज हाई टू पी टू. यानी कि पी वन जो है प्राइस 1.5 डेढ़ गुना ज़्यादा होना चाहिए पी टू के मुकाबले में, क्योंकि जो इलास्टिसिटी है ई वन यानी कि वन की जो इलास्टिसिटी है ग्रुप वन की वो कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप टू की जो इलास्टिसिटी है वो माइनस फोर में है. अब ये यहाँ पे जो कंज्यूमर डिवाइड हुए हैं दो सेपरेट ग्रुप्स में उसके कर्व्स को दिखाया जा रहा है. तो जो एम आर वन और ए आर वन है ये कंज्यूमर जो फर्स्ट ग्रुप के कंज्यूमर उनका कर्व है और एम आर टू और ए आर टू जो है वो ग्रुप टू के कंज्यूमर का है. एंड दी एम आर टी इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ एम आर वन एंड एम आर टू यानी कि टोटल एम आर जो है वो एम आर टी है. अब इसी चीज़ को आगे दिखाया जा रहा है कि जो कंज्यूमर जो फर्स्ट ग्रुप की जो प्राइजिंग सेट होगी वो होगी पी वन और क्यू वन. प्राइजिंग पी वन होगी और क्वांटिटी क्यू वन हो जाएगी और सेकंड ग्रुप की जो प्राइजिंग होगी वो पी टू होगी और क्वांटिटी होगी क्यू टू और जो टोटल क्वांटिटी है वो है क्यू टी. उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो सो नाउ नो सेल्स टू स्मॉलर मार्केट. अब यहाँ बताया गया है कि स्मॉलर जो मार्केट हैं कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो एनफ पे नहीं करते. तो अब इसमें दिखाया गया है कि एम आर टू और डी टू तो बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन जो डी वन और एम आर हैं ये ऐसे कस्टमर हैं जो हमें एनफ पे नहीं करेंगे. वी विलिंग टू एनफ पे नहीं है इसी वजह से हम इनको सेल नहीं करेंगे. कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो ज़्यादा पे नहीं करते हैं तो इनका एम आर और डी आर कर्व जो है वो बहुत छोटा है इसी वजह से हम इनको सेल नहीं करेंगे. नाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ कूपन एंड रिबेट. अब कूपन और रिबेट जो दी जाती हैं तो उसकी कुछ इकोनॉमिक्स को समझते हैं. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के मुताबिक जो कस्टमर ज़्यादा मोर प्राइस इलास्टिक होते हैं उनको जो है वो कूपन यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब वो परचेज करते हैं कोई प्रोडक्ट को, उनके मुकाबले में जो लेस इलास्टिक है, जो लेस इलास्टिक डिमांड है जिन कंज्यूमर की उनको कूपन वगैरह की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती जितनी इलास्टिक. तो अब कुछ कंपैरिजन देखते हैं कूपन वर्सेस नन कूपन यूज़र की इलास्टिसिटी के दरमियान. टॉयलेट टिशू की अगर हम बात करें तो जो नन यूज़र हैं कूपन के उनकी इलास्टिसिटी है 0.60 और जो यूज़र हैं कूपन्स के उनकी इलास्टिसिटी है 0.66. यानी इलास्टिसिटी हमेशा कूपन यूज़ करने वालों की ज़्यादा होगी. इसी तरह से स्टफ़ या ड्रेसिंग की जो इलास्टिसिटी है 0.71 है नन यूज़र की और जो यूज़र हैं उनकी है
0.996। इसी तरह शैम्पू की इलास्टिसिटी 0.84 है नन यूज़र्स की, और यूज़र की है 1.04। इसी तरह से कुकिंग या सैलेड ऑयल की अगर हम बात करें तो उसमें 1.22 है नन यूज़र्स की, जो यूज़र्स हैं 1.32। इसी तरह से जो पूरी की पूरी ये टोटल लिस्ट है, हमेशा उन यूज़र्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा है जिनके पास कूपन है, और जिनके पास कूपन नहीं है उनकी इलास्टिसिटी कम है। इसी तरह से केक मिक्स का दिया हुआ है, जो नन यूज़र हैं कूपन के उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है 0.21, और जो यूज़र्स हैं उनकी इलास्टिसिटी है 0.43। तो अब जब रिलेटिव हम मालूम करेंगे तो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जो आपको बताया गया था कि P1/P2 इज इक्वल्स टू दी 1+1/E2/1+1/E1 को। सो प्राइस ऑफ नन यूज़र शुड बी 1.5 टाइम यूज़र्स, और इफ़ केक मिक्स सेल्स फॉर $1.5 कूपन शुड बी 50 सेंट्स। अगर केक मिक्स जो है वो सेल किया जाता है $1.5 पे, तो कूपन जो है वो 50 सेंट्स का होना चाहिए। ये कैलकुलेट करके निकाला गया है यहाँ पे। नाउ द लेसन नंबर 36, प्राइजिंग विद मार्केट पावर कंटिन्यूड। अब एयरलाइन फेयर्स की यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है कि जो इलास्टिसिटीज जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे कंज्यूमर जो है वो कम फेयर पे करता है, और जहाँ पे इलास्टिसिटी कम होती है वहाँ पे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा फेयर यानी किराया पे करता है। तो अब इलास्टिसिटी को दिया गया है यहाँ पे कि फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर्स होंगे उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो होगी 0.3, और जो इकोनॉमी प्लस होगी उसकी इलास्टिसिटी होगी 0.4 यानी उससे ज़्यादा होगी, और जो इकोनॉमी क्लास होगी उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो 1.2 होगी फर्स्ट क्लास की, 1.2 ही होगी इकोनॉमी क्लास की, इकोनॉमी प्लस क्लास की, और इकोनॉमी क्लास की जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो 1.8 होगी। यानी कि अगर इकोनॉमी क्लास की इनकम में इजाफा होता है तो वो इकोनॉमी प्लस में भी जा सकते हैं और फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास वालों की अगर इनकम में इजाफा होगा तो वो ऑलरेडी इनकम फर्स्ट क्लास में मौजूद है, उनकी जो प्लान है वो चेंज नहीं होगा। नाउ द एयरलाइन सेपरेट द मार्केट बाय सेटिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टिकट। अगर लेस एक्सपेंसेस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, अगर लेस एक्सपेंसेस टिकट है तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, जैसे नोटिस है, स्टे ओवर वीकेंड करना पड़ेगा उन्हें, और उसके अलावा नो रिफंड, तो कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जो सस्ते टिकट्स होते हैं एयरलाइन उस पर, जबकि जो महंगे टिकट्स होते हैं उस पर एयरलाइन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, इंटर टेम्परल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग सेपरेटिंग द मार्केट विद टाइम। अब इसमें ये बताया गया है कोई भी प्रोडक्ट जब नई लॉन्च होती है तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो गिर जाती है, क्योंकि जब प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, और वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को टारगेट करती है जो प्राइस पे कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हैं। जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हार्ड बाउंड के अंदर होती है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, यानी कि मोटे गत्ते के अंदर होती है वो बुक। इसी तरह से मूवी कोई आती है नहीं तो उसके टिकट भी महंगे होते हैं, और कोई कंप्यूटर आता है या कोई फ़ोन आता है तो जब नया आता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जो प्राइजेज़ हैं उनमें कमी आती चली जाती है। जैसे पेपर बैग बुक्स आ जाती हैं, यानी कि हल्के गत्ते वाली बुक्स आ जाती हैं, उसकी प्राइस कम होती है, मूवीज़ की प्राइस गिर जाती है, और कंप्यूटर में भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ ग्राफिकली दिखाया जा रहा है, जब नई प्रोडक्ट आती है तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो ये वाला होता है, जो इनइलास्टिक कर्व होता है। तो इसी वजह से इसकी जो प्राइस चार्ज होती है वो प्राइस ये P1 वाली चार्ज होती है, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो Q1 वाली होती है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है तो जब वो प्रोडक्ट पुरानी होनी शुरू हो जाती है तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो ये वाला होता है MR2, और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है जो डिमांड कर्व है वो AR2 वाला होता है। तो उसी वजह से उसकी प्राइस जो है वो P2 चार्ज होती है, और जो क्वांटिटी चार्ज होती है वो Q2 चार्ज होती है, यानी क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है और प्राइस गिर जाती है। लेकिन अब यहाँ पे पीक लोड प्राइसिंग में एक और कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जिनकी डिमांड पीक होती है, यानी इसका नए पुराने से ताल्लुक नहीं होता। जैसे रश आवर ट्रैफिक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो समर में ज़्यादा होती है, विंटर में कम होती है, रेस्टोरेंट्स की डिमांड्स वीकेंड्स में ज़्यादा होती है, इसी तरह से डिफरेंट फेस्टिवल्स पे डिफरेंट चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जो पीक लोड टाइम होगा वहाँ पे P1 प्राइस चार्ज की जाएगी और Q1 क्वांटिटी होगी, तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो MR होगा, MR1, और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो AR1 है, जो पीक लोड प्राइस
होगी, यानी पीक लोड जो टाइमिंग होगी। तो पीक लोड टाइमिंग में P1 प्राइस चार्ज होंगे और क्वांटिटी Q1 होगी, यानी कि प्राइस भी ज़्यादा चार्ज होगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उस चीज़ की जो डिमांड है वो उस वक्त ज़्यादा होगी और लोग ज़्यादा भी पे कर सकेंगे इस वजह से। जबकि ऑफ लोड प्राइस होगी तब जब, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, समर सीज़न है, तो उस वक्त उसकी डिमांड भी कम है और लोग ज़्यादा भी पे करना नहीं चाहेंगे, तो उस वक्त उसकी प्राइस भी जो है वो कम होगी और उसकी क्वांटिटी भी वो कम होगी। पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है कि प्राइस कम हो जाए सर्दियों में, लेकिन जिन कंट्रीज़ में कंपटीशन होता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही हैं। तो MR कर्व जो है वो उसका A2 होगा और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसका वो AR2 होगा। तो प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वान्टिटी भी कम हो जाएगी ऑफ लोड सीज़न के अंदर। सो हाउ टू प्राइस अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, अब ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो हाउ वुड यू अराइव एट द प्राइस फॉर द इनिशियल रिलीज ऑफ द हार्ड बाउंड एडिशन ऑफ अ बुक, यानी कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि जो इनिशियल रिलीज़ की जा रही है, यानी नई कोई बुक रिलीज़ की जाती है हार्ड बाउंड एडिशन यानी कि मोटे गत्ते में, तो किस तरीके से उसकी प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू वेट टू रिलीज़ द पेपर बैक एडिशन, यानी कितने देर बाद पेपर बैक एडिशन निकाला जाएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। कुड दी पॉपुलैरिटी ऑफ द बुक इम्पैक्ट योर डिसीजन, और क्या बुक की पॉपुलैरिटी पे उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एंड हाउ डू यू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द पेपर बैक एडिशन, और किस तरीके से पेपर बैक की जो प्राइस होगी उसको डिटरमाइन किया जाएगा, सोचा जाएगा कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो जिनके बारे में आपने सोचना है। सो नाउ द टू पार्ट टैरिफ, अब ये एक कॉन्सेप्ट आया है द टू पार्ट टैरिफ। इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट की दो तरह से प्राइसिंग की जाती है, और इसकी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। दो तरह से मतलब ये कि अब अम्यूज़मेंट पार्क है, उसमें एंट्री की प्राइस एक अलग है और जो यूजिंग की प्राइस है वो अलग है। एंट्री की प्राइस यानी पार्क में एंटर होने का टिकट अलग, और जो वहाँ राइड्स हैं, झूले वगैरह हैं, उनकी प्राइस अलग पे करनी है, और जो फूड है वो अलग। इसी तरह से टेनिस क्लब है, टेनिस क्लब को ज्वाइन करने की अलग प्राइस है और उसके अंदर खेलने की अलग प्राइस है। इसी तरह सेफ्टी रेजर की अलग प्राइस और उसके जो ब्लेड्स हैं उसकी अलग प्राइस। और इसी तरह से पोलराइड फिल्म की पे फॉर द कैमरा की अलग है, और साथ में जो फिल्म उसकी डलेगी कैमरे के अंदर उसकी अलग प्राइस। तो जो एंट्री फ़ी होगी उसको हम T से शो करते हैं, और जो प्राइस है, जो उसकी यूजेज फ़ी है, उसको हम P से यूज़ करते हैं। तो T एंट्री फ़ी और P जो है वो यूजेज फ़ी आ गए। नाउ द टू पार्ट टैरिफ विद अ सिंगल कंज्यूमर, अब टू पार्ट टैरिफ को अगर हम सिंगल कंज्यूमर के मुताबिक देखें तो इसकी जो MC कर्व है वो है हॉरिजॉन्टल कर्व है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है। और जो प्राइस चार्ज किए जाएंगे वो यहाँ किए जाएंगे जो P स्टार, यानी कौन से प्राइस, जो यूजेज की जो फ़ीस है, और T स्टार जो है वो ये शेडेड एरिया है जो एंट्री फ़ी है, और एंट्री फ़ी जो है वो इक्वल है इंटायर कंज्यूमर सरप्लस के। तो जो इंटायर कंज्यूमर सरप्लस है उसके बराबर है, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है ये T स्टार इंटायर उसके बराबर है, ये जो पूरा एरिया है उसके बराबर है। अब टू पार्ट टैरिफ विद टू कंज्यूमर्स, अगर दो कंज्यूमर्स होंगे तो फिर टू पार्ट टैरिफ किस तरीके से होगा। तो जब दो कंज्यूमर होंगे तो उसमें भी MC कर्व तो वही रहेगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो डिमांड कर्व है यहाँ सिर्फ एक ही डिमांड कर्व था, यहाँ पे अब दो डिमांड कर्व आ गए, D1 और D2। D1 जो है वो कंज्यूमर 1 का है और D2 जो है वो कंज्यूमर 2 के लिए है। तो प्राइस जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगी, P स्टार जो यूजेज प्राइस है, और जो T स्टार है वो ये एरिया है, ये एरिया जो है वो T स्टार है जो एंट्री है। अब इसमें जो प्राइस है वो MC से ज़्यादा है, प्राइस जो है वो MC से ज़्यादा इसमें चार्ज हो रही है, एंड जो कि P स्टार जो है वो MC से ज़्यादा है, और T स्टार जो है वो एट द सरप्लस वैल्यू ऑफ D2, वो जो है सरप्लस वैल्यू है D2 की। अब जो प्राइस है, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो ABC से ज़्यादा है, यानी कि दोनों से अलग अलग अगर चार्ज किया जाता तो उसको मिला के भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा है। और जो प्रॉफिट का यहाँ फार्मूला है वो है 2T स्टार प्लस P स्टार माइनस MC विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस Q2। तो ये इसका फार्मूला है। नाउ द टू पार्ट टैरिफ विद मैनी डिफरेंट कंज्यूमर्स, अब अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएँ, तो टू पार्ट टैरिफ हम किस तरह से करेंगे, किस तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर के साथ एंट्री फ़ी और यूजेज फ़ी को हम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि क्या हमने चार्ज करना है। तो कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है P स्टार और T स्टार को डिटरमाइन करने का कि हमने एग्जैक्टली ये करना है, हमें कंसिडर करना है ट्रेड ऑफ बिटवीन एंट्री फ़ी विच इज़ द T एंड यूज फ़ी P, यानी तो इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ को हमने कंसिडर करना है। तो अगर लो एंट्री फ़ी रखी जाए
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स बहुत ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा लोअर प्राइस होने की वजह से, और एंट्रेंट्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हम कई सारे कॉम्बिनेशंस को देखेंगे पी और टी के, और चूज़ करेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन को जो हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे, यानी उस कॉम्बिनेशन को हम चूज़ करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो कर्व जा रहा है, ये सेल्स का कर्व है सबसे नीचे वाला, और इससे ऊपर वाला हमारा कर्व जा रहा है ये एंट्री फी का कर्व जा रहा है, और सबसे ऊपर हमारा जा रहा है टोटल प्रॉफिट का जो कर्व है। तो जो हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है जो टी स्टार है, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, ये हमारा जो है वो मैक्सिमम हमें देगा प्रॉफिट, तो इसी को हम चूज़ करेंगे। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, सम ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द एंट्री फी, टोटल प्रॉफिट जो है वो दोनों सम है, एंट्री फी का भी एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स, और जो सेल्स हो रही है उसका बहुत डिपेंड करता है टी के ऊपर। और जो प्रॉफिट का यहाँ फार्मूला है वो है थीटा ए प्लस थीटा एस इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई टी एंड मल्टीप्लाई बाई टी प्लस पी माइनस एम सी मल्टीप्लाई बाई दी क्यू एंड इन दी मल्टीप्लाई बाई दी स्मॉल एन। नाउ दी रूल ऑफ थम, अब रूल ऑफ थम क्या है, अगर सिमिलर डिमांड है, आपस में कोरिलेशन है दोनों के दरमियान, तो जो हम पी चार्ज करेंगे, जो यूजेज पी है, यूजेज जो प्राइस है वो क्लोज होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, जबकि एंट्री जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। लेकिन अगर डिससिमिलर डिमांड है, आपस में कोरिलेशन नहीं है दोनों चीज़ों के दरमियान, तो फिर हम जो पी चार्ज करेंगे वो हाई चार्ज करेंगे, और जो एंट्री फी हम चार्ज करेंगे वो लो करेंगे, यानी कि हम पी को जो है वो एम सी से ज़्यादा चार्ज करेंगे, जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा हम पी को चार्ज कर लेंगे, जबकि हम जो टी रखेंगे जो एंट्री फी उसको हम कम रखेंगे। अब टू पार्ट टैरिफ विद ट्विस्ट, अब इसमें ये बताया गया कि एंट्री प्राइस टी जो है वो इंटाइटल्स करती है बायर को कि वो सर्टेन नंबर ऑफ फ्री यूनिट्स उसको मिल जाए, जैसे कि रेजर के अंदर होता है कि कुछ ब्लेड्स जो है वो फ्री मिल जाते हैं। तो ये था आज का लेसन, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।